सीतामढ़ी में ट्रैफिक थाना बनने और ट्रैफिक डीएसपी की तैनाती के बाद लोगों को उम्मीदें जगी थी कि ट्रैफिक की बाधाएं दूर होगी। बकायदा सरकार ने इसके लिए ट्रैफिक थाना बनवाया और नए वाहनों की खरीदारी की, लेकिन सब कुछ इसके उलट हो रहा है। शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था तो नहीं सुधरी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की वसूली का एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें पुलिसकर्मी बाइक चालक से पॉल्यूशन फेल होने के नाम पर 11,000 रुपये और पुलिसकर्मी से बहस करने पर 15,000 रुपये का फाइन मांगते दिख रहे हैं। मोल भाव करते करते मामला 2,000 रुपये में सेटल हो गया। यह घटना शहर के कारगिल चौक की है, जो मेजरगंज के एक पोस्टमास्टर के साथ हुई। पहले आप ट्रैफिक पुलिसकर्मी और पीड़ित व्यक्ति के बीच हुई पैसे की लेन देन की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको पीड़ित व्यक्ति का बयान भी सुनाएंगे। अच्छा सब पर दूसरों से ले 10,000 रुपये फाइन। अभी कूद रहे थे हम लोग मोबाइल में देख लिए, कूद नहीं रहे थे सर। आपसे कूद करके हम कहाँ जाएंगे? 10,000 फाइन है। आपसे कूद करके कहाँ जाएंगे? कहाँ करूँगा मैं, जब मैं कुछ मास्टर या सीता हूँ। जाइए 5,000 कम कर देते हैं। 5,000 सर आप तो 11,000 जाइए। क्या कह रहा हूँ, क्या कीजिएगा बोलो जल्दी कर। जलवा करो पसंद मत फूट रहा हूँ ले कर साहब से दे तू ले। तो 500-800 में हमने काम करेंगे रखन हिसाब से ढंग से कम ऐसा करो कि तू इज्जत से मेजरगंज चल जा। हेलमेट लगा लीजिएगा और प्रदूषण तो बना लीजिएगा। तो बहुत तो बनाइए नहीं जाइए दे देगा। ए संगीता यहाँ पेपर दे दो जाके दबाओ। क्या हुआ था आपके साथ सीतामढ़ी में घटना? सीतामढ़ी में आज लगभग 2 बजे करीब में सीतामढ़ी हम गए दवा के लिए और भूख लगी हुई थी। चले गए कारगिल चौक के जस्ट सामने होटल है, उसमें खाना खा रहे थे। खाना खा करके ज्यों ही निकलते हैं मेरा हेलमेट उनके काउंटर पर छूट गया होटल वाले का। गाड़ी उस जगह कारगिल चौक पर हम लगा करके हेलमेट के लिए जब जाते हैं तो पुलिस वाला को देखते हैं मेरे गाड़ी के नज़दीक में खड़ा हो गया कि भाई आपका हेलमेट कहाँ है। मेरा हेलमेट होटल में छूटा हुआ था, लाने गए थे। तो नहीं नहीं आप दूसरे का हेलमेट लेकर के आए हैं। अरे भाई मेरा हेलमेट है, हम दूसरे को हेलमेट लेकर क्यों आएंगे? कागज़ निकालिए। हमें कौन सा कागज़ चाहिए? तो लाइसेंस निकालिए। लाइसेंस दिए नहीं, इंश्योरेंस दिखाइए। इंश्योरेंस दिखलाए, अच्छा ठीक है गाड़ी के पेपर दिखलाइए। फिर पेपर हम दिखलाए, रख लिया। रख लेने के बाद में कराए कि कुछ पैसा व्यवस्था कीजिए। हमें मेरे पास पैसा वैसा नहीं है और हम किस बात के देंगे जब मेरे पास सारा प्रूफ है, मेरा सारा पेपर है, हम क्यों देंगे? तो जाइए साहब से बात कीजिए। एक गाड़ी में यातायात वाला गाड़ी में बैठे हुए थे साहब, वहाँ गए। हम सर देखिए मेरा हेलमेट है, सारा पेपर है, फिर भी हमारा पेपर ले करके रखे हुए हैं तो आप बिना मतलब के वो बोलते जा रहे हैं। तो नहीं नहीं आप जो है पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं अभद्र? हम तो अपना पेपर जो मांगा गया है वह दिखलाया है, हेलमेट है, हमने हेलमेट होटल में से हम मेरा छूट गया था वह ले करके आ रहे हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि हेलमेट नहीं है, हेलमेट का चार्ज लगेगा। तो पोल्यूशन आपका फेल है। बोली पोल्यूशन फेल है तो आप पोल्यूशन का आप चार्ज काटिए, फाइन काटिए। और इतने हजारों गाड़ियां अभी हमारे सामने से गुजर रही है, कई आदमी को आप चेक किए हैं तो नहीं। आपसे कितना पैसा मांगा गया है? मेरे साथ 11,000 पहले मांगा जी। हम कहे कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है तो क्या करते हैं? बोली पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं जी। तो जब पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं आपके पास 11,000 रुपया नहीं है, अब आप बहस कर रहे हैं तो हम 15,000 रुपया लेंगे। तो हम सोचे कि भाई अब इनका वीडियो बनाना जरूरी है जी। हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए जी। फिर कहते हैं कि जाइए वहाँ बात कीजिए। एक लंबे लंबे पदाधिकारी थे और कौन थे वो हमको पता नहीं, लेकिन चेहरा से हम जान रहे हैं जिनका मेरे वीडियो में है जी। तो वो कह रहे हैं कि आप 11,000 रुपया साहब बोले हैं तो 11,000 रुपया कम से कम दीजिए, नहीं तो 15,000 रुपया आपको लगेगा, बहस का चार्ज अलग से लगेगा। अरे भाई हकीकत में इसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है? और जब हम सही हैं
तो फिर आप ज़्यादा चार्ज क्यों लीजिएगा? आपका पोल्यूशन मेरा अगर नहीं है तो उसका फाइन काटिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं 11,000 रुपया ही दीजिए, आप बहस किए हैं तो 15,000 रुपया अलग से लेंगे, तो ये तो गलत बात है। तो ज़्यादा आप बहस करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दो ठो कलम है, मेरे पास एको कलम नहीं है। हम ये तो कलम वाली बात वो अलग हो गया, तो नहीं मेरे पास भी तो होना चाहिए ना। आखिरी में आपसे कितना पैसा लिया गया? 2,000 रुपये लिया। 2,000 रुपये। जिला के वरीय पदाधिकारी और यातायात SP और DSP साहब से आपकी क्या मांग है? ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड करें, उनको दंडित करें, नहीं तो यही कारण है जो अच्छे अच्छे लोग और अच्छे इंसान तबाह होकर के अपना गलत रास्ता पकड़ता है, और यही कारण है जो पदाधिकारी लोग जो है टॉर्चर करते हैं, और रोड पर जो है अच्छा लोग बुरा बन जाता है, बुरा लोगों के साथ थे उनका जो है कुछ नहीं चलता है। हजारों गाड़ियाँ चल रही थी लेकिन एक भी चेकअप नहीं किया गया, एक भी जांच नहीं किया गया, किसी को नहीं किया गया। ट्रिपल लोड में भी जा रहा था, उनको साथ भी कुछ नहीं किया।